हेलो स्टूडेंट, इट इज फर्स्ट डे सब्जेक्ट साइंस। इट इज चैप्टर 6, फूड एंड हेल्थ। हमारा भोजन और स्वास्थ्य है। एज वी नो, फूड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट गिव्स अस एनर्जी फॉर अवर डेली एक्टिविटी। यह हमारे प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा देता है। देयर आर टू टाइप ऑफ फूड। नंबर 1 प्लांट सोर्स फूड एंड नंबर 2 एनिमल फूड। फूड दो तरह से मिलता है हमें प्लांट से, सच एज ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, अनाज, दालें, फल, सब्जी, मसाले। नंबर 2 एनिमल सोर्स फूड, पशुओं से मिलने वाला मिल्क, कर्ड, घी, बटर, पनीर, चीज, हनी, एग, मीट। दीज आर एनिमल सोर्स फूड। ये चीजें एनिमल से मिलती हैं, बट दीज फूड हैव न्यूट्रिएंट्स, अ स्पेशल वैल्यू थिंग्स। इन फूड के अलग अलग पार्टिकल होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, जो हमारे लिए डिफरेंटली यूज होते हैं। नंबर 1 इज प्रोटीन्स। एज वी नो, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इनके इसमें सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने वाले न्यूट्रिएंट होते हैं, बनाने वाले तत्व होते हैं। आवर बॉडी नीड्स टू डेवलप न्यू सेल्स टू ग्रो एंड टू रिप्लेस ओल्ड और डैमेज सेल्स। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए नए सेल बनाने पड़ते हैं, नई कोशिका बनानी पड़ती है और पुरानी कोशिकाओं को ठीक करना पड़ता है सेल्स को, और उसके लिए प्रोटीन्स जरूरी है। प्रोटीन्स आर आल्सो यूजफुल रिक्वायर्ड फॉर मसल बिल्डिंग एंड फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यू। प्रोटीन्स हमारी मसल्स को बनाने के लिए भी जरूरी है और हमारे टिश्यू के लिए भी जरूरी है। दे आर नीडेड मोर फॉर ग्रोइंग अप चाइल्ड। एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए प्रोटीन ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू ए एडल्ट पर्सन। एक व्यस्त बड़े व्यक्ति की अपेक्षा छोटे बच्चे को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है। इट इज फाउंड इन मीट, कर्ड, मिल्क, चीज, एग, पल्सेस एंड सोयाबीन। यह मांस, दही, दूध, पनीर, अंडा, दाल और सोयाबीन में भरपूर मात्रा में मिलता है। पल्सेस आर मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। दालें मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। ये हमें ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इनसे हमें एनर्जी मिलती है। दे कॉन्टेन शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में शुगर और स्टार्च होता है। इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव कार्बोहाइड्रेट इन प्रॉपर वैल्यू। हमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जरूर लेना चाहिए, अदरवाइज वी गेट एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन एंड वी कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली। यदि हम कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में नहीं लेंगे तो प्रोटीन से एनर्जी मिलने लगेगी और प्रोटीन का यूज बढ़ने के लिए नहीं होगा और बच्चा कमजोर और दुबला रह जाता है। इट्स मेन सोर्स आर व्हीट,
पोटैटोस एंड ब्रेड, इसका एंड राइस एंड बनाना, इसके मुख्य चीजें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल, केला, गेहूं, मक्का, आलू और प्रोटीन। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स आल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ये भी हमें ऊर्जा देते हैं। दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। दिस एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज, जो फैट्स की एनर्जी है ये हमारी बॉडी में इकट्ठा भी हो सकती है। इट इज स्टोर्ड एज फैट, ये हमारे परत में चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। दे फैट्स आल्सो कीप अस फॉर बॉडी वार्म, ये हमें गर्म रखने में भी सहायता करते हैं। ऑयल, बटर, घी, चीज एंड क्रीम आर रिच इन फैट्स, तेल, मक्खन, घी, पनीर और क्रीम, ये चिकनी चीजें जो होती हैं, ये उनसे हमें फैट्स मिलता है। बट वी शुड नॉट इनटेक टू मच फैट, लेकिन हमें अधिक मात्रा में घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिकॉज दे कलेक्ट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड दैट इज वेरी हार्मफुल, ये हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे शरीर को फुला देते हैं। दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी, इसे ओबेसिटी कहते हैं जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चर्बी इकट्ठा हो जाएगी। इट कैन कॉज हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, इससे हमें हृदय संबंधी रोग और डायबिटीज यानी शुगर का रोग भी हो सकता है। सो वी शुड टेक इन अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ ईच न्यूट्रिएंट, इसलिए हमें सभी न्यूट्रिएंट को प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में ही लेना चाहिए, अधिक या कम नहीं। ओके, रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ, और आपको 5 चैप्टर तक बुक वर्क और 6 चैप्टर तक बुक वर्क और 5 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भेजे जा चुके हैं, उन्हें ध्यान से अपनी नोटबुक में और बुक में करिए और चेक कराने के लिए स्कूल में आइए। मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 noon, सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक आप आ सकते हैं, तो आइए और अपना काम चेक कराइए, क्योंकि आपके एग्जाम होने हैं, एग्जाम के लिए काम का चेक होना जरूरी है। सो टेक केयर ऑफ योर स्टडीज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।